نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لصدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته सूरासफ़ की आया नंबर एटी वन से आज हम देखने जा रहे हैं इज इला अबीकुम तुम अपने वालिद के पास जाओ फ़कुल या अबाना सो इससे कहो इन नब का करा ए हमारे अब्बा जान यकीनन आपके बेटे ने चोरी की है इन नब का करा उसने चोरी की है ये कौन कह रहा है ये रुबेल कह रहा है अपने बाकी भाइयों से लास्ट एपिसोड में हमने वो आयात देखी थी जिनमें उसने कहा था कि मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ मैं वालिद को कैसे फ़ेस करूँगा कि हम तो वादा दे के आए हैं वालिद को कि हम भाई को वापस ज़रूर लाएंगे और अभी सिचुएशन ऐसी है कि हम इसे वापस नहीं लेके जा सकते तो मैं वालिद को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं इधर ही रहता हूँ तुम लोग जाओ वालिद के पास और कहो या अब न इनब न सरोखा ए हमारे अबा जान यक़ीन आप बेटे ने चोरी की है व मैं शहीद न और नहीं हम गुआही देते इल्ला बिम आलिम न मगर उसकी जितना हम जानते हैं व मै कुन्ना और नहीं हैं हम ले लि हाफि गैब की हिफाजत करने वाले कि हम जितना जानते हैं हम उतना ही आपको बता रहे हैं हम उसी की गवाही देते हैं कि हमने सुना है कि उसने चोरी की है हम गैब के मामला तो नहीं देखने वाले गैब की बातें अल्लाह ताला जानते हैं लेकिन हमें ये मालूम होता है हमें ये पता चला है कि उसने चोरी की है ये आया नंबर एटी वन है और बड़ा भाई जो है वो छोटे भाइयों को बेचता है वालिद की तरफ और ये मैसेज देता है कि आपने वालिद से ये ये जाके कहना है कि हमें ये मालूम हुआ है कि उसने चोरी की है आया नंबर एटी टू है वसअली कन्फ़ी है और आप इस बस्ती के लोगों से पूछ लें जिसमें हम थे वरल अकबल न फ़ी और इस काफ़ले से भी पूछ लें जिस में हम आए हैं व इ न और यकीनन हम सच्चे हैं उन्हें ये जस्टिफिकेशन क्यों देनी पड़ी क्योंकि वो जानते थे कि यूसुफ़ सलाम की दफ़ा वो धोखा कर चुके हैं अपने वालिद से तो अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी वालिद को ये बताने में कि वो सच्चे हैं और आप बेशक उन बस्ती वालों से पूछ लें जिसमें हम थे यानी जिसमें हम लोग ठहरे हुए थे मिस्र में उन लोगों से पूछ लें या काफले वालों से पूछ लें जिसके साथ हम आए आते जाते रहे हैं और उनसे भी पूछा जा सकता है वह इन्ना लसदून के ये चीज़ उन्होंने भी देखी है और हम सच्चे हैं कि वाकई ये वाक़ पेश आया है हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे आप बेशक जिससे भी कन्फर्म करना है कर लीजिए आया नंबर एटी थ्री है क़ौल बल सवलत लकुम अफ़कुम अमरा याकूब आलाम ने फ़रमाया बल्कि तुम्हारे दिल ने एक काम को मुजीन बना दिया फ़सब्रुन जमील सो मेरा काम अच्छा सब्र करना है याक़ूब सलाम की स्टेटमेंट बहुत खूबसूरत है जिस तरह से जब यूसुफ अलैहि सलाम गुम होते हैं तो उन्होंने क्या फरमाया था फब्र जमील बब्र अच्छा है अला मा तस्फ़ूँ और अल्लाह ताली ही से मदद मांगी जा सकती है इस पे जो तुम बयान करते हो और यहाँ भी फरमाया कि फब्र ज़मील बस मैं सब्र करूँगा मेरा काम ये है कि मैं अच्छा सब्र करूँ उससे पहले उन्होंने क्या फ़रमाया बल सौलत लकुम अनफ़ुसुकुम अमरा बल्कि तुम्हारे दिल ने एक काम को तुम्हारे लिए मुजैन कर दिया यानी उन्हें अब भी उन पर यकीन नहीं आया बेटों पर एतबार नहीं हुआ कि ये जो कुछ कह रहे हैं क्या सच कह रहे हैं और बल सौलत लकुमु अनफम अमराँ कि तुम्हारे दिल ने एक काम को मुजीन कर दिया आप देखें तो जब तक दिल आपके लिए किसी काम को मुजिन नहीं करता आप नहीं करते आप वो काम नहीं करते इंसान की कमज़ोरी है कि वो गुनाहों में क्यों डूबता है क्योंकि उसका दिल उसके लिए वो चीज़ मुजी कर देता है एक चोर चोरी क्यों करता है क्योंकि वो काम उसके लिए उसका नफ्स मुजीन कर देता है कि मैं चोरी करूंगा इतना माल हासिल होगा मैं उससे ये ये चीज़ें लूंगा मेरा गुज़र बसर अच्छा होगा और वो ये सोचता ही नहीं कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या क्या हो सकते हैं आहरत में उसकी कितनी सख्त सज़ा हो सकती है तो आपका नफ्स उस चीज़ को मुजैन करता है आपके लिए उस गुनाह को आपके लिए मुजैन करता है सब्ज़ बाग दिखाता है फिर ही आप वो काम करते हैं और इसमें मुमकिन है कि शैतान का बहुत बड़ा हाथ हो कि तुम ये काम करो इससे ये 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 बेनिफिट्स हासिल होंगे और तुम्हारे लिए कल को बेहतर होगा और वो तस्वीर का दूसरा रुख आपसे बिल्कुल ही फरामोश करवा देता है कि इसके कॉन्सिक्वेंस आहरत में क्या हो सकते हैं इसके नतज आहरत में कितने बुरे हो सकते हैं फब्र जमील सो मेरा काम है अच्छा सब्र करना मैं अच्छा सब्र करूंगा तो अच्छे सब्र से क्या मुराद है अच्छे सब्र से मुराद ये है कि आप दूसरों को उताने ना दें और दूसरों पे गुस्सा करने का इख्तियार होने के बावजूद आप सब्र करें उन्हें गाली गलोच ना दें और नंबर टू पॉइंट है कि गम के शुरू में सब्र करें यह नहीं कि जब आप वो अवेला करते करते थक जाएं या जब आप देखें कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है या अगले बंदे को देखें कि वो तो आपसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करके बात कर रहा है तो आप चुप कर जाएं कि अब तो सब्र ही अच्छा है नहीं सब्र अच्छे सब्र से मुराद ये है कि आप अच्छी तरह से सब्र करें जब आप अथॉरिटी रखते हों दूसरे लोगों को ताना दे सकते हों उन्हें झूठा करार दे सकते हों फिर भी आप सब्र करें और अल्लाह ताला के लिए करें ताकि इस पे आपको अजर मिले और सबर के बारे में कुछ हदीस देख लेते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब उन अमरमिन मोमिन का मामला बहुत अजीब है इन अमरहू कल खैर उसके हर मामले में खैर ही खैर है और मोमिन को कौन कौन सी सिचुएशंस पेश आती हैं उसकी ज़िंदगी में दो ही सिचुएशन हैं एक बदहाली और एक खुशहाली बदहाली में वो सब्र करता है तो ये उसके लिए खैर का मामला है और ख़ुशहाली में वो शुक्र करता है तो ये भी उसके लिए खैर है यानी इस के ज़रिए भी वो अजर पाता है इसी तरह रसूल सल्ला वसलम का बेटा इब्राहिम जब दुनिया से गया तो आप सल्हु वसम की आंखों में आंसू थे और आप सलील आल वसम फरमा रहे थे आंखें अश्क आलूद हैं और दिल गमज़दा है और हम वो बात नहीं कहते जिससे हमारा रब राज़ी ना हो अल्लाह की कसम ए इब्राहिम हम तेरी वजह से गमज़दा हैं तो आंखों से आंसू जारी हो जाना सब्र ही कहलाता है बेसब्री ये है कि इंसान वावेला करे गुस्सा करे गाली गलोच करे तो आंसू अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत हैं जब दिल भर जाता है गम से तो आंसुओं के ज़रिए इंसान अपने आप को हल्का फील करता है और रिलैक्स्ड हो जाता है और ये गारंटीड है कि जब आप मांगें तो अल्लाह ताला आपको देते हैं ये इतनी इफ़ेक्टिव चीज़ है कि ये हो ही नहीं सकता कि आप मांगते रहें और अल्लाह ताला आपको ना दे सब्र कुछ ऐसी चीज़ों में से है जो आपको अल्लाह ताला ने इसी दुनिया में ही देना है जैसे हदीस में आता है कि दुआ के तीन फैक्टर्स हैं नंबर वन वो कबूल हो जाती है नंबर टू कि अल्लाह बदले आपकी ज़िंदगी से कोई आज़माइश दूर कर देते हैं नंबर तीन के इंसान उसका अजर आख़रत वाले दिन पाएगा और उस वक्त इंसान सोचेगा कि काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल ना हुई होती तो सब्र एक ऐसी दुआओं में से है कि अल्लाह ताला से अगर आप सब्र मांगें तो अल्लाह ताला आपको इसी दुनिया में ही सब्र से नवाजेंगे और ये ऐसी दुआ है कि वो ज़रूर कबूल होगी इसी तरह अगर आप से आप अल्लाह ताला से शुक्र की तोफ़ीक़ मांगते हैं तो वो भी अल्लाह ताला आपको देंगे इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा जब इस दुनिया से जा रहा था तो वो इतना बेचैन था उसकी हालत देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए और साद रदी अल्लाह ने कहा या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जज्बा शफकत है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों के दिलों में रखा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे और सब्र से ये मुराद बिल्कुल भी नहीं कि आप रोना छोड़ दें और आपकी आँखों से एक आंसू ना निकले और आप बिल्कुल सख्त हो जाए ये सब्र नहीं कहलाता तिरमज़ी की हदीस है कि रसूल सल्ला वम ने फरमाया अल्लाह ताली जब अपने बंदे के लिए भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे जल्द ही दुनिया में सज़ा देता है और जब बंदे से शर का इरादा करता है उसे किसी आजमाइश में डालने का इरादा करता है तो उससे गुनाह की सज़ा रोक रखता है हती के क़्यामत के दिन इसे पूरी सज़ा देगा और रसूल सल्हसम ने यह भी फ़रमाया कि बड़ा सवाब बड़ी आजमाइश के साथ है बिला अल्लाह ताली जब किसी कौम के साथ मुहब्बत करता है तो इनको किसी आजमायश में डाल देता है जो इस आजमायश पर राज़ी हुआ तो उसके लिए रज़ा है जो आजमाइश पर नाराज़ हुआ तो इसके लिए नाराज़गी है तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि जो कोई अच्छा हुआ प्रॉस्पर हुआ हम कहते हैं कि इसने ज़रूर कोई अच्छा काम किया होगा अल्लाह ताला इससे राज़ी हैं इसलिए इसे इतनी नेमतें दी गई हैं और जिस पे कोई मुसीबत आई कोई कलेमिटी आई तो हम कहते हैं कि जी ये जो है ये बहुत तकलीफ़ में है किस लिए है क्योंकि अल्लाह ताला इसे किसी गुनाह की सज़ा दे रहे होंगे तो ये हदीस क्या कहती है कि अल्लाह ताला अगर किसी से भलाई का इरादा करता है तो उसे जल्द दुनिया में सजा दे देता है और इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ईमानदार मर्द और औरत अपने नफ्स उलाद और माल की आजमाइश में हमेशा रहते हैं हती कि इसकी मुलाकात अपने रब से इस हाल में होती है कि इस पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता यानी अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करते हैं उसे दुनिया में छोटी मोटी आजमाइशें देकर उसके गुनाह उससे हटा देते हैं और जब वो फ़ोत होता है तो उसके सर पे कोई गुनाह नहीं होता और वो सीधा जन्नत में जाता है आया का नेक्स्ट पोर्शन है याक़ूब क्या फरमाते हैं असल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह तयनी बिहिम जमी कि इन सब को मेरे पास लाएगा यानी मैं अल्लाह ताला पे तवक्कुल करता हूँ उससे उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला इन सब को मेरे पास लाएगा किन को लाएगा कि उनके बेटे रुबेल को और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला उनके पास ले आएगा तो मोमिन नेवर डिस्पेयर मोमिन कभी डिस्पेयर नहीं होता ये बहुत मुश्किल काम है कि इंसान उम्मीद लगाए रखे कि अगर उसे ऐसी कोई सिचुएशन नज़र भी ना आए कोई पॉसिबिलिटीज़ कहीं नज़र भी नहीं आ रही किसी मामले में लेकिन फिर भी वो नाउमीद नहीं होता सिर्फ़ अल्लाह ताला पे रिलायंस रखते हुए वो ऑप्टिमिस्टिक रहता है तो ये सब्र अलामत है और इसके ज़रिए मोमिन अजर पाता है तो ये काम बिलाशुबा करना बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी मोमिन जो है वो अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखते हुए सब्र करता है और अल्लाह ताली सूरत नाहल में फ़रमाते हैं वमांब्र का बिल्ला और तुम्हारा सब्र अल्लाह ताला की तौफीक से है तुम्हारा सब्र सिर्फ़ अल्लाह ताला की तौफीक से है अगर तुम सब्र करना चाहते हो तो वो भी अल्लाह ही की तरफ से है और शुबा अल्लाह दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें साबिरून में से बनाए आमीन शूरा तो शूर आया फ़ोटी थ्री में अल्ला फ़रमाते हैं वलमन सबर वफ़र व यकीनन जो सब्र करे और माफ़ कर दे इन रैलिकमिन आज़मर तो यकीनन ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है सब्र करना और माफ़ करना बहुत बड़े हिम्मत वाले कामों में से है आगे याकूब सलाम फ़रमाते हैं इन्ूलआम यकीनन वो सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है यानी अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है कमाल हिकमत वाला है कि ये अल्लाह ताला के फैसले हैं उसने मेरे से मेरे बेटे क्यों दूर किए ये वो ही जानता है वो इल्म वाला है अल्लाह तआला इज़ दी मोस्ट नॉलेजेबल, द मोस्ट वाइज आया नंबर एटी फोर देखेंगे वम और इसने मुंह मोड़ा यूब सलाम ने बेटों से मुंह मोड़ा वाला और कहने लगे या असफ़ अला यूसुफ़ अफ़सोस यूसुफ अफसोस पर उन्होंने अपने बेटों से मुंह मोड़ा हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए अपने बेटों से अलग हो गए हों बात ना की हो और साथ क्या फ़रमाया असफ़ अला हाय अफसोस यूसुफ पर आगे क्या फरमाते हैं आगे अल्लाह कमेंट करते हुए फ़रमाते हैं व भई नु मीन हजनी व हुआ काजयीम और ग़म से उसकी आँखें सफ़ेद हो गई सो वो ग़म से भरा हुआ था अल्लाह फरमाते हैं कि उनकी आँखें सफ़ेद हो गई के गम में उनकी आँखों की रोशनाई चली गई उनकी बनाई चली गई और वो कहते हैं अल्लाह फरमाते हैं वह हुआ काजयीम बस वो गम से भरा हुआ था उनका दिल गम से भरा हुआ था और यूसुफ़ सलाम की जुदाई में उनकी बेनाई चली गई आया नंबर एटी फ़ाइव है क़ाल तोल्लाक़ूब सलाम के बेटों ने कहा अल्लाह की कसम तफतऊ तदकुरु यूसुफ़ आप तो यूसुफ़ सलाम ही को याद करते रहेंगे हत्ता तकून उद यहाँ तक कि आप घुल कर मरने के करीब हो जाए अवतकू नाम या हलाक होने वालों में से ये एक बहुत ही रूड स्टेटमेंट है अगर आप किसी से ऐसे कहें लेकिन चूँकि सलाम के भाई जो थे वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही थे वो ऐसे ही अपने वालिद को ट्रीट करते थे तो कहते हैं कि आप तो इस गम में हलाक हो जाएँगे सलाम को ही हर वक्त याद करते रहते हैं और आपका मामला अजीब है कि आपके पास और कोई काम ही नहीं है करने को आप सिर्फ़ यूसुफ़ल ही की जुदाई में रोते रहते हैं आया नंबर एटी सिक्स है क़ाला याक़ूब ने कहा इन्म अश्कू बसी वजनी इला मैं अपनी ज़ाहिर हो जाने वाली बेक़रारी और ग़म का शिक्वा सिर्फ़ अल्लाह ताला से करता हूँ सलाम की बहुत खूबसूरत स्टेटमेंट है ये और बहुत प्यारे अल्फाज हैं कि मैं अपनी जाहिर होने वाली बेकरारी और ग़म का ज़िक्र सिर्फ़ अल्लाह ताला से करता हूँ यानी अगर मेरी बेकरारी तुम पे जाहिर हो रही है तो तुम ग़म ना करो ये तुम्हारे लिए नहीं है ये अल्लाह ताला के लिए है और ऐसा हो नहीं सकता कि आपके दिल में गम हो और आपके चेहरे से वो ज़ाहिर ना हो अगर इंसान कोशिश भी करे तो उसका गम किसी ना किसी तरीके से उसके चेहरे से जाहिर हो जाता है उसके आंसू छलक पड़ते हैं उसकी ज़ुबान पे कुछ ना कुछ अल्फाज ज़ाहिर हो ही जाते हैं कि दूसरा इंसान जो है वो जान जाता है कि ये ये इंसान खुश है या ग़मगीन है आया का लास्ट पोर्शन है याकूब सलाम फरमाते हैं वह आलमिन और मैं अल्लाह ताला की तरफ से वो जानता हूँ तालमून जो तुम नहीं जानते एक तो उन्होंने यूसुफ़ सलाम के ख्वाब के हवाले से ये बात कही कि मैं अल्लाह ताला की तरफ़ से वो जानता हूँ यानी यूसुफ़ सलाम ने शुरू में जब हमने देखा था अपने वालिद से ख़्वाब शेयर किया था कि ग्यारह सितारे सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे हैं तो बाप चूंके जान चुके थे कि यूसुफ़ सलाम का ये ख्वाब हाँ जो है वो इन पूरा होने वाला है यानी एक नबी ये जानता है कि ये एक सच्चा ख्वाब हाँ है और ये ज़रूर पूरा होगा और ये तभी मुमकिन है जब यूसुफ़ सलाम ज़िंदा हुए क्योंकि यूसुफ़ सलाम जो थे उन्हें नबूवत मिलने वाली थी बाप ये जान चुके थे और याक़ूब अलैहिस्सलाम को इल्म था कि अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं लेकिन चूँकि वो उनकी नज़रों से दूर थे और वो नहीं जानते थे कि अलैहिस्सलाम किस हाल में हैं भाइयों ने उनसे क्या क्या, क्या किया इस वजह से वो गमज़दा थे आप देखें कि अगर किसी का बच्चा फोत हो जाए तो उसे कभी न कभी सब्र आ जाता है वो अपने हाथों से उसे गुस्ल देता है उसे दफनाता है और इवेंचुअली वो सबर करने लगता है क्योंकि वो जानता है कि हर किसी ने दुनिया से चले जाना है और अगर यहाँ से उसका बेटा गया तो इन शख़रत में वो उसके साथ होगा तो वो सब्र करता है लेकिन अगर किसी का बेटा गुम हो जाए तो उसके लिए सब्र करना मुश्किल होता है वो सोते जागते खाते पीते उसी को याद करता रहता है जब वो खाना खाता है तो उसे याद आता है कि पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में है पता नहीं उसने खाना खाया होगा या नहीं पता नहीं वो ठीक से सो भी पाता है कि नहीं पता नहीं वो किस हाल में है कैसे रह रहा है तो इस वजह से गम में थे तो इन आयात से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है व आम उमीन और मैं वो जानता हूँ अल्लाह की तरफ से माला तालमून जो तुम नहीं जानते इसमें बहुत से पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं यानी एक नबी जो हैं उनका इल्म दूसरों से ज़्यादा होता है वो सब्र के मामले में भी दूसरों से ज़्यादा होते हैं ज़्यादा साबिर होते हैं और ज़्यादा शुक्रगुज़ार भी होते हैं अल्लाह की तरफ से और तवकुल में भी वो लोगों से ज़्यादा होते हैं ईमान में भी वो ज़्यादा होते हैं वो जानते हैं कि दुनिया में वो जो करेंगे आहरत में उसका अजर पाएंगे अगर सब्र करेंगे तो उसका भी अजर है शुक्रगुज़ार होंगे तो उसका भी अजर है और नबी जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से इल्म में ज़्यादा होते हैं ईमान में तवक्कुल में ज़्यादा होते हैं वी एंड हियर विद वर्स नंबर एटी सिक्स इन द नेक्स्ट एपिसोड वी विल सी वर्स नंबर एटी सेवन मियाल सुबह ना हुआ ميكاس أمانغ شاكرون صابرون آن متوكلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته